यह करोना काढ़ा, करोना बचाओ काढ़ा, मतलब ये करोना का काढ़ा है, हमने बनाया है, तो हम आपको अभी इसकी रेसिपी भी दिखाएंगे कैसे कैसे बनाया है। तो इससे इतना फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, जैसे कि गले में दर्द होना, खांसी होना, हल्का हल्का फीवर होना, स्मेल चले जाना, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि मेरे लाइव मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ काफ़ी ऐसा कुछ हो चुका था, मतलब जिसकी स्मेल नहीं जा रही थी, वो नहीं आ रहा था, और काफ़ी सिम्टम थे। बस ये था कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाकी सारे सिम्टम थे। उन्होंने काढ़ा लगातार पिया और उसके बाद उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, रिलीफ हुआ। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी पियो और अपने फैमिली को भी पिलाओ। अब मैं बताता हूँ इसकी रेसिपी क्या है, शुरू से एंड तक। हम ये बना रहे हैं 4 या 5 लोगों के लिए, अब रेसिपी निकालना है। आप उसी हिसाब से अगर 2 लोग हो तो आधा कर देना, हम 4 या 5 लोगों ही करना है, क्योंकि फैमिली में 4 या 5 लोग तो होती हैं मिनिमम। तो 2 दालचीनी की स्टिक ये आ रही है, 5 लौंग, 2 दालचीनी 5 लौंग, 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, रुक जाओ डाल लेंगे, 5 लौंग हो गई, 2 बड़ी इलायची हो गई, 5 काली मिर्च, 1 काली मिर्च मतलब एक आदमी के लिए, 5 लोगों के लिए बनना है, 1 लौंग 1 के लिए, 5 लोगों के लिए बननी है, 3 तेज पत्ता, 1 2 3, 3 तेज पत्ते हो गए, 2 हुए अभी, 3 तेज पत्ता, और है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हो गया, 2-3 चुटकी कलौंजी, कलौंजी आ गई है, और 1/2 अदरक कुटा हुआ, 1/2 स्पून अदरक है कुटी हुई, कुटी हुई अदरक है। क्या देख रहा हूँ, गुड़ आपके पास, गुड़ डाल लो, ये गुड़ पाउडर है, हमने गुड़ पाउडर मंगा लिया था, तो 5 स्पून गुड़ पाउडर सिर्फ इसके जायके के लिए, और गुड़ वैसे भी फ़ायदेमंद है, थोड़ा सा और ले लो। ये हमने गुड़ ले लिया 5 स्पून, क्योंकि स्पून से बड़ा है तो इस वजह से, वरना आप गुड़ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा डेला गुड़ का, और ये गुड़ का पाउडर है, और 2 टेबल स्पून सौंफ आएगी, नहीं बस हो गया। अब इसे क्या करना है, अभी आगे हम बताते हैं क्या करना है। ये हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये 6 लोगों के लिए है, तो हमें 7 कप पानी डालना है। ये 7 कप पानी हो गया है पूरा, और अब हम ये सामान सारा सबको अच्छे डालकर ये डाल दो सारा सामान अच्छे से, और इसे लो फ्लेम पे कर दो। लो फ्लेम पे करने का 25 मिनट तक पकाना है कम से कम, अपना टाइम देख लो कितना टाइम हो रहा है अभी, 25 मिनट तक, जब तक आपको लगे कि क्वांटिटी कम हुई है 1 कप के करीब, मेंबर के हिसाब से पानी रखना है, मतलब 6 मेंबर हैं तो 7 हमने कप पानी रखा है, और इसके अंदर इतना इतनी देर तक पकाना है 25 मिनट पर, आपको लगे क्वांटिटी कम हुई है तो अभी इसे कम फ्लेम पर करके और ढक के रख दो, जलाकर छोड़ दो 25 मिनट के लिए, पूरा 25 मिनट तक जब वो हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। मैं दे रही हूँ, ये हो चुका है पूरा, 25 मिनट बन चुके हैं, अब ये काढ़ा बन चुका है, अब हम इसे चाय की तरह ही निकालेंगे, अब इसे हम चाय की तरह ही निकालेंगे। ये हमारा काढ़ा तैयार 6 लोगों के लिए, अभी लेकिन अभी 4 कप हैं क्योंकि 2 लोग हमारे अभी आ रहे हैं, बाहर गए हैं। ये हमारा काढ़ा तैयार, यह हो चुका है हमारा काढ़ा कंप्लीट। अब हम रेसिपी दिखा देते हैं आपको, हमने ये रेसिपी लास्ट में डाल दी है, पूरा ये व्हाट्सएप का मैसेज है जो मैंने भेजा था लोगों को, आप पढ़ सकते हो सीधा, काढ़ा रेसिपी फॉर 4-5 लोगों के लिए, ये सब चीज़ें लिख रखी हैं इसके अंदर, कितने लोगों के, हमने 4-5 लोगों के लिए बनाया है, तो आप अगर कम लोग हो तो कम सामान में डाल सकते हो, ये पूरा मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर दूसरों को भी भेज सकते हो, वरना फिर ये आप, मैंने एक्सेल लिख दिया, आप बनाने की फ्लो वीडियो में देख लो और यहाँ पर भी पढ़ लो।